नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर जिला भिंड से आ रही है। जानकारी अनुसार आज कांग्रेस पार्टी के भिंड दतिया सांसद के प्रत्याशी रहे देवाशीष जराजरिया के समर्थन में युवाओं को रोजगार दे सरकार, इसके लिए कार्यक्रम धरना प्रदर्शन गोल मार्केट पर किया जा रहा था, जिससे युवाओं के द्वारा 7 वरिष्ठ नेता भी उपस्थित बनाए हुए थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल, उपाध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा के साथ करीब 100 से अधिक लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उद्बोधन किया जा रहा था, तभी सदर बाजार से छात्र संघ के द्वारा रैली निकालकर कांग्रेस पार्टी के धरना स्थल पर पहुंचकर देव आशीष वापस जाओ के नारे लगने लगे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, युवाओं में और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की की झड़प होने लगी, जिससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शंकर जैन पत्रकार का मोबाइल कहीं गुम हो गया। इसी बीच कांग्रेस नेत्री ममता मिश्रा के बीच छात्र में झड़प हुई। पास में ही खड़ी मोटरसाइकिल के पहिए से टकराकर युवक सड़क पर जा गिरा था। तभी कुछ छात्रों में मारपीट भी हुई। छात्रों को मौका स्थल पर खड़ी पुलिस के जवानों ने अलग दूर किया। छात्रों का आरोप है उनका कोई भी दल नहीं है, वह छात्र संघ के बैनर तले अपना धरना प्रदर्शन गोल मार्केट पर करना चाह रहे थे, लेकिन आज इनके इस धरना स्थल की जगह पर कांग्रेस पार्टी धरना देकर उनके कार्यक्रम को हाईजैक कर रही है, जिसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है उनका यह प्रोग्राम प्रदेश स्तर से किया जा रहा है, जिसकी मंजूरी भी शासन ने दे दी है, और यह छात्र संघ नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी की युवाओं को भड़काकर धरना प्रदर्शन पर विवाद की स्थिति निर्मित की गई थी, जिसका हम विरोध करते हैं। उधर पुलिस का कहना है अगर इस संबंध में कोई आवेदन आता है उस पर जांच कर विविध कार्यवाही की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। पिछले 3 में इनकी सरकार रही, ये कोई भी वैकेंसी देने आए नहीं आए, अभी तक इन्होंने धरना प्रदर्शन किया नहीं किया। आज हम सब छात्र आज हम सब कॉलेज के सब छात्र मिलकर इकट्ठा हुए, तो इन लोगों ने आके हमारा प्रोग्राम छीन लिया। ये इसमें अपना झंडा उतर कर रहा है, इनका चुनाव आ रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो ये बच्चों के पास जाने का सही मौका है। ये पूरे बच्चे हमसे, हम सब छात्र हैं, हम एमजीएस ग्राउंड में दिन रात मेहनत करते हैं कि जाके अपना झंडा उतर कर रहे हैं। वहाँ पे आज हम लोगों का प्रोग्राम था, इनको पता चला तो इन्हें आज का झंडा लिया। आप लोग किस पार्टी, आप लोग हो किस पार्टी से? फिर अभी यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, इस धरना प्रदर्शन में आप लोगों की उपस्थिति क्या है? ये प्रदर्शन हमारा था, ये इन लोगों ने जीना हाईजैक कर दिया। इसके लिए आपको एक ज्ञापन देना चाहिए था, लेकिन प्रोग्राम में आके उनके प्रोग्राम में मारपीट करना, ये ज्ञापन हमारा। मैं रजत तोमर युवा आंदोलन को उसमें खड़ा किया, साथ में सब लोग आए, लेकिन कांग्रेस की तानाशाही है, महिला नेत्री हाथ उठा रही है मुझ पर। क्या उम्र है मेरी, माँ की उम्र है उनकी, वो महिलाओं को आगे प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन पर कई युवा यहां आए और उनके बीच में एक झड़प हुई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदेशव्यापी रोजगार दो आंदोलन के तहत बेरोजगारों के प्रति, बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठा रही है और सरकार से मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी के युवाओं को रोजगार दो जी। इसके तहत देशव्यापी और प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा है जी। उसी के आंदोलन की रूपरेखा हम लोगों ने भिंड जिले में भी तैयार की, इसको लेकर अच्छा प्रसार प्रसार हुआ, युवाओं का भारी अपार जन समर्थन हमें यहाँ पर मिल रहा था, जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग बहुत घबराए हुए थे और सुनियोजित ढंग से, मैं फिर से आरोप लगा रहा हूँ कि ये सुनियोजित ढंग से हमला करवाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि ये पूरा जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, ये अपने मुद्दे से हट जाए और ये झगड़े की शक्ल ले लें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और बेरोजगार युवा साथियों को यहाँ पर इस धरने प्रदर्शन में शामिल है कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। जो विशेष यहाँ जो युवा आए थे उनका कोई पार्टी से लेना देना नहीं था, उन युवाओं का कहना था कि जो स्थान गोल मार्केट का आपके द्वारा चिन्हित किया गया है, वो युवाओं ने पहले उस स्थान को चिन्हित करने की मांग की थी, जहां धरना प्रदर्शन आज ये कर रहे हैं उनका प्रोग्राम हाईजैक कर लिया है, इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल गलत बात है ये प्रोग्राम आपके सामने, मैं बता रहा हूँ 4-5 दिन से पहले से तय था,
माननीय दिग्विजय सिंह ने इस प्रोग्राम को लेकर वीडियो रिलीज किया, माननीय जीतू पटवारी ने इसको लेकर वीडियो रिलीज किया, और माननीय पवन खेड़ा जी जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने भी वीडियो रिलीज किया। हमने इसकी विधिवत परमिशन ली है इसकी, ये धरना ऐसे है। और जहाँ ज्यादातर जो युवा है वो पार्टी का नहीं है, ज्यादातर युवा जो है जो अपने मुद्दे को लेकर आए हैं। हम तो युवाओं की आवाज में आवाज दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो एक मंच प्रोवाइड कर रही है कि भाई युवा आए अपनी बात कहे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यवधान डाला, जानबूझकर धरने को प्रभावित करने का प्रयास किया, मारपीट की, महिलाओं के साथ बदसुलूकी की, झीना झपटी की, लूट, इनका मोबाइल लूटा, पैसे की लूट करी, एक भाई को चोट भी आई, उनके साथ मारपीट भी की है। महिलाओं के साथ क्या आपके माध्यम से क्या प्रशासन को क्या किस प्रकार से आप लोगों ने आवेदन दिया है, क्या मांग की है प्रशासन से? बिल्कुल, प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है कि इन लोगों को, जिन लोगों ने हमला किया है, मुझे बताया गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग हैं, और इनको इनके नेताओं द्वारा बाकायदा सुनियोजित तरीके से यहाँ पर हमला करने के लिए भेजा गया। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इन युवाओं की पहचान करके, कुछ तो नाम दे दिए गए हैं जी, नाम आ गए हमारे पास, उन लोगों की नाम दर्ज रिपोर्ट कराएंगे इस धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद। क्या मामला है जो कि आज गोल मार्केट पर कांग्रेस पार्टी का एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर युवाओं की आकर एकदम यहाँ जद्दोजहद एक झड़प हुई है, क्या है मामला? ये यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसकी सूचना हमारे पास नहीं थी, ना इनने सूचना दी है। अगर इनने अनुमति ली थी तो एक कॉपी, एक प्रति हमको भी देना चाहिए, पुलिस के पास इसकी सूचना नहीं थी। और प्लस ये जो और हम लोग जो हैं समझने लगे कि इन्हीं का दूसरी शाखा है जी, तो ये चल के आए इनके साथ पास में, और उनने भी नारेबाजी की, इनने भी बेरोजगारी की नारेबाजी की। केवल उनमें से कुछ लोगों ने श्री देवाशीष जो ये जो हैं उनका विरोध किया कि ये माइक पे नहीं बोलेंगे जी, तो इतना से विवाद है, तो फिर उनको हमने अलग कर दिया और शांति से उनका चल रहा है। यहाँ एक मोबाइल को भी छीन कर ले जाने की बात कांग्रेस पार्टी, ये तो क्या है कि भीड़ भाड़ में कहीं गिर गया होगा, जो भी है हमने उनसे कहा है कि आप आवेदन दो, हम जांच करें। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस, क्या इस तरह के कार्यक्रमों में कोई लूट नहीं करता, मोबाइल नहीं छीनता, ये तो पहली घटना सुन रहा हूँ मैं जी, कार्यक्रम में मोबाइल लूट लिया। क्या कोई पुलिस के द्वारा कोई FIR पंजीबद्ध करने की मांग नहीं? अगर वो आवेदन देंगे तो उसकी हम विधिवत जाँच कराएंगे, जो सही होगा कार्रवाई करेंगे।